सो हेलो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स बोथ. सो दिस सेशन विल बी हेल्पफुल टू बोथ ऑफ यू बिकॉज दीज टॉपिक्स आर सिमिलर एंड यूजफुल फॉर बोथ ऑफ यू. सो मैंने आपको जो लास्ट आई हैव डिस्कस विद यू दैट इज़ द KCL एंड KVL, ठीक है. तो मैं उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ. मैंने KCL KVL का आपका बेसिक सा फंडा आपको बताया है कि KCL किरचॉफ करंट लो है, KVL आपका किरचॉफ वोल्टेज लो है. KCL का मतलब है कि किसी सर्किट में बहने टोटल जो करंट है, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट का जो सम है वो क्या है, इक्वल टू जीरो है. और यही मैंने किसके लिए बताया, KVL के लिए, कि टोटल जो EMFs है उस सर्किट में, क्लोज सर्किट में, वो क्या आपके जीरो के इक्वल है. अब जैसे ये देखिएगा, मुझे फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द सर्किट शोन इन फिगर. मुझे हर एक ब्रांच में बहने वाली करंट की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है. तो ये एक सर्किट है जिसमें 50 वोल्ट का एक सोर्स लगा है, एक सोर्स यहाँ पे 80 वोल्ट का लगा है. यहाँ तीन रजिस्टर लगे हैं आपका, एक 20 ओम का, एक 30 ओम का, एक 40 ओम का. इस 20 ओम में जो करंट फ्लो कर रही है वो है I1, 30 ओम में I3 और 40 ओम में मैंने दिखाई है I2. करंट आप कुछ भी मान सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है. आप इसको I2 मान लो, I3 मान लो, उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. इसको ज़रा जल्दी से सॉल्व करते हुए हम देखते हैं. आप ज़रा यहाँ देखिएगा, अगर मैं इसमें एक बताऊँ यहाँ पे, तो ए बी में नंबरिंग कर देती हूँ उसमें, ठीक है. सी डी ई एंड एफ, ठीक है. अब आप यहाँ ज़रा देखिएगा, इस पॉइंट बी पे, इस वाली जंक्शन पे, जंक्शन का मतलब क्या है, जहाँ पे आके चीज़ें मिलती हैं. देखिए यहाँ पे मिल रही है ना, ये एक नोड हो गया आपका, ठीक है, बी नोड पे. इस पे आके जंक्शन पे या नोड पे आपकी जो करंट है, इस पॉइंट पे आके आपकी करंट बढ़ जा रही है. देखिए इस सोर्स से करंट आपकी I1 आई, ये आपकी इनकमिंग करंट है, जो आपकी इनकमिंग. और आउटगोइंग क्या है, ये दो पार्ट्स में बढ़ गई, ऐसे है ना. ये देखिएगा जरा, I1 ये I2 I3 एंड दैट इज़ I2. तो देखिए ये तो यहाँ गई और ये दो पार्ट्स में आगे बट गई, तो ऐसे ही तो हो रहा है. ये I1 है, I1, ये I1, ये आगे दो बच गई, I2 I3. तो आप ये क्या कह सकते हो कि इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट. यही कहा था मैंने, दोनों चीज़ें पर समझाई थी ना आपको. ये देखिएगा, मैं अभी आपको, मैंने आपको लास्ट में समझाया था ना. या तो आप ये कह दो कि टोटल करंट, इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट विद साइन इक्वल टू जीरो, या इनकमिंग करंट I2, इनकमिंग I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4, इनकमिंग और ये आउटगोइंग, इनकमिंग आउटगोइंग के बराबर. तो यही हम ऐसा ही वहाँ करेंगे, सेम मैं यहाँ कर रही हूँ. तो यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या है, I1, और आउटगोइंग क्या है, I2 और I3. तो I1 बराबर किसके हो जाएगा, I2 प्लस I3 के, ठीक है, जो क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. तो यही हमें बताना है, यही हमें क्या करना है, बताना है कि आपको I1 की वैल्यू बतानी है, आपको I2 की वैल्यू बतानी है, आपको I3 की वैल्यू बतानी है. इसके लिए हमें क्या करना है बेसिकली, अब हम क्या करेंगे, ये करने के लिए हमारे पास एक रूल क्या है, KCL तो मैंने बताई दी आपको. अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे KVL, किरचॉफ वोल्टेज लो. तो जैसे आप किरचॉफ वोल्टेज लो करोगे, तो किरचॉफ वोल्टेज लो हमेशा आपका क्लोज लूप में होता है, ठीक है. तो पहला लूप तो आप ये वाला मान लीजिए, ये ना प्लस से हमेशा माइनस की तरफ जाती है करंट, इस तरह ये प्लस है, ऐसे नहीं ले सकते आप इसमें करंट प्लस माइनस कभी भी ऐसे नहीं, क्योंकि प्लस लेते ही ये 80 का प्लस है, ये माइनस 80 का यहाँ पे, तो ये तो यहीं का यहीं ख़त्म हो गया, ये तो क्लोज लूप थोड़ा ना हुआ. फिर आप क्या करोगे, प्लस यहाँ से स्टार्ट करोगे और ख़त्म करते हो पूरा, ऐसे लोगे ना ये, तो ये प्लस से चलते हो आप इधर 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 कंप्लीट करते हो यहाँ तक, हायर पोलैरिटी से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ. जैसे इसमें चले प्लस, ये वाला पूरा सर्किट कंप्लीट किया. अगर आप ऐसे चलोगे कि मैं तो इधर को चलूँगा, तो ये तो ख़त्म हो गया 50 वोल्ट, तो पूरा लूप कहाँ हुआ. सबसे बड़ी वोल्टेज तो आपकी यही है ना, इसमें भी यही है. तो पहले हम इस वाले पार्ट में, इस वाले उसमें चलते हैं, KVL लगाएंगे हम फर्स्ट लूप में, दो लूप में चलेगी. तो लूप वन में लगाते हैं, लूप वन आपका कौन सा है, इन क्या है आपका, ABEF, इन ABEF. और दूसरा लूप टू किस में चलेगा आपका, दूसरा लूप टू चलेगा आपका, कैसे चलेगा, CBED, ठीक है, CBED, ठीक है. ये आपके दो लूप हो गए. तो पहला लूप चलाते हैं हम, देखिएगा हमें KVL लगाना है, ठीक है. KVL का मतलब क्या हो गया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का मतलब हो गया कि आपको टोटल वोल्टेज कैलकुलेट करनी है. वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V=IR, यही तो होता है. मतलब आपको वोल्टेज कैलकुलेट करनी है, मतलब आपको उस हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस IR आपको निकालना है.
तो अगर ऑलरेडी वी दिया हो तो वी तो ज़रूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे वी पहले ही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना ना, 50 वोल्ट, 50 इसको आप प्लस मान लीजिए, फिर बाकी को आप माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, यही होगी पोलैरिटी, है ना। ऐसे ही तो होता है आपका, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। अब ये क्योंकि ये प्लस है, ये जाई प्लस की तरफ आते हो, इसको आपने पॉजिटिव मान लिया तो बाकी को आप क्या मानोगे। अब देखो 50, फिर क्या हो गया 50 इस लूप में, फिर क्या है आपका 20, 20 क्या है आपका रजिस्टर है। वोल्टेज आपको क्या निकाली, वोल्टेज निकाली, ये तो आर है, आई कितना है I1, तो I1R क्या हो जाएगा इसके लिए 20 I1। ठीक है ना, V इक्वल टू IR रख रहे हैं ना, R क्या है 20 और करंट क्या है I1, तो क्या होगा 20 I1। साइन, अब साइन देख लो, प्लस से माइनस की तरफ गया है तो क्या हुआ है, ड्रॉप कमी होगी, तो विद माइनस साइन। अब चलिए अब इसको कंप्लीट करते हो, आप इधर आए, क्या आ जाएगी वैल्यू 40। करंट क्या थी आपकी I2, ठीक है, ये I1 तो इसकी है, I2 तो फिर से इसकी वोल्टेज कैलकुलेट करोगे 40 I2, और फिर और कुछ है ही नहीं, वापस यहीं पे आ गया है, तो ये क्या हो गया उसी। साइन क्या रहेगा, प्लस से माइनस है माइनस। ठीक है, तो इसको आप कैसे ले सकते हो, 20 I1 प्लस 40 I2 इज इक्वल टू 50। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, कॉमन ले लोगे इसमें, तो 2 I1 प्लस 4 I2 ठीक है इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये आपकी एक इक्वेशन होगी। इस तरह आप दूसरे में चलेंगे, चलिए फटाफट अब इसको इस तरीके से करेंगे। तो देखिए ये प्लस है, ये क्या होता है, ये क्या है आपका प्लस, ये आपका माइनस, ये प्लस माइनस ऑलरेडी है। ठीक है, तो आप इसको ले लीजिएगा, ये प्लस से माइनस की तरफ चलाओ तो यहाँ पे ऑब्वियस माइनस लेना पड़ेगा, माइनस 80। ठीक है, उसके बाद देखिए अब इसका देख लेना, इस दो के बीच में देखते हैं, अभी देखिएगा, अब इसके में देखेंगे, ये क्या आपका 30 I3। वोल्टेज कैलकुलेट करोगे तो वोल्टेज के फॉर्म में पहले ही था, 80 वोल्ट ही था, तो माइनस 30 I3, माइनस से प्लस की तरफ हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, माइनस से प्लस की तरफ हुआ। अब आप फिर इधर को चले, लूप ऐसे चला रहे हो ना आप, ये क्या आपका प्लस से माइनस, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस 40 I2, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी। इसको अब आप आगे सॉल्व करो। अब दो इक्वेशन से आपके दो ही अननोन निकल सकते हैं। अब यहाँ पे I1 I2 है, यहाँ पे I2 I3 है, तो अगर ये एक इक्वेशन भी हमारे लिए, फिर वो काम नहीं कर पाएगी। चलो पहले मैं बता देती हूँ आपको कैसे काम कर रहे हैं। ये आपका माइनस 80 तो आपका इधर ही रह जाएगा। ठीक है, 30 I3, तो इस इक्वेशन को, दो इक्वेशन को दो अननोन ही मिलने बनेंगे तो इक्वेशन सॉल्व कर पाएगी। तो हम क्या करेंगे कि हमें दो इक्वेशन मिल जाएगी, तो यहाँ पे ये I1 I2 है, यहाँ पे I2 I3 है, तो हम इसको भी I3 को I2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमें पता है कि ये वाली इक्वेशन थी हमारे पास I1 बराबर I2 प्लस I3। तो यहाँ पे I3 की वैल्यू निकाल लो आप, I3 को I1 I2 के टर्म्स में ले जाओ, I3 को जब I1 I2 के टर्म्स लोगे तो ये क्या इधर चला जाएगा, क्या बच जाएगा I1 माइनस I2। आप इसको इसकी जगह रख दीजिएगा, माइनस 80 प्लस 30 I1 माइनस 30 I2 माइनस 40 I2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जैसे इसको रखोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसे रखोगे ना, I3 की जगह I1 माइनस I2, मैं एक बार एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, 30 I3 की जगह रखोगे I1 माइनस I2 माइनस 40 I2 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा माइनस 80 प्लस 30 I1 माइनस 30 I2 माइनस 40 I2। इसको पूरे खोल दोगे, ठीक है, प्लस 30 I1, ये 30 और 40 70 I2, ये 30 I1, ये इधर चला जाएगा, 10 कॉमन ले लोगे तो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बन जाएगी। अब दो इक्वेशन है, दो ये नोन है, इस इक्वेशन को मैं साथ साथ इसके आगे लिख रही हूँ फटाफट, ताकि आपका सॉल्व हो जाए। 8, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं सिंपल, जैसे बचपन से सॉल्व करते आते हो आप, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, दो मिनट लगेंगे। तो बच्चे जो ये इक्वेशन है दो, इसको तो आप मल्टीप्लाई कर दो, मैं यहाँ दिखा देती हूँ, इसे तो मल्टीप्लाई करो आप 3 से, और इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, ऊपर वाली तो जाएगी आपके 6 I1, फिर
12 i2 और फिर 15, ठीक है। फिर आपका क्या आ जाएगा, 6 i1, 14 i2 और ये फिर 16, ठीक है। इसको आप जैसे सॉल्व करोगे, अब मैं इसको सॉल्व करके फटाफट दिखा रही हूँ, अब आप इस इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको आती हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये आपके 26 i2, ठीक है बच्चों, और ये आपका आ जाएगा 31। ये कैसे आ गया, एक मिनट चाहिए बच्चे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन, एक वैल्यू तो आपकी ही आ जाएगी, i2 इज 1/26। अब जो वैल्यू जो भी आ रही है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। एक तो ये वाली वैल्यू आ रही है, अब इस वैल्यू को आप किस में रख दोगे, इस वाली वैल्यू को वापस किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, ठीक है। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2i1 + 4, आई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/26 = 5, जो भी वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी, ठीक है। 2i1 बच्चे, ये जो वैल्यू आपकी आ रही है, आपकी वैल्यू है 2.4 एम्पियर, ठीक है। ये आ रही आपकी 1/26, तो ये 0.3 0.4 के आसपास आएगी, 0.3 या 0.4 के आसपास, ठीक है। 0.3 भी क्या, ये आपकी आएगी, ठीक है। आपकी i1 की वैल्यू आ गई, ये कलर से दिखा रही हूँ मैं आपको, इसमें i1 से वैल्यू आ गई, i2 की वैल्यू, i1 की वैल्यू आ गई, अब i3 की वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएगी। अभी तो है आपका, अभी तो किया आपने, ये वाला ऊपर निकाला हुआ है ना, i3 इज इक्वल टू i1 - i2, या आप ये कह सकते हो i1 = i2 + i3। तो आप क्या करो, किसी में वैल्यू भी डाल दो। तो आपने क्या किया, यहाँ i3 में यहाँ पर निकाल दी, डाल दीजिए वैल्यू, इसी से तो ये वाली वैल्यू आई थी। तो i3 बराबर क्या है, i1 की वैल्यू डाल दी आपने, 2.4 - 0.3, जो वैल्यू आएगी वो i3 की हो जाएगी, खत्म, ठीक है। तो ये 2.1 वैल्यू आएगी, ठीक है। आ रही मेरे पास समझ, ये ऐसे आपका क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, नहीं समझ आएगा तो मैं और बताऊंगी, ठीक है। अभी थोड़ी सी है ना, मेरा फोन में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा इस स्क्रीन ख़राब हुई हुई है, तो दूसरे फ़ोन से एडजस्ट करके मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली लॉकडाउन जल्दी से हट जाए और मैं उसको रिपेयर करा लूँ फ़ोन को, अदरवाइज काम तो चाहे खैर चल ही रहा है, काम कुछ नहीं रुकेगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं शेयर करूँ या ना करूँ, आप सब्सक्राइब करके आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें एक काम और कर सकते हैं कि मैडम, जैसे अब हमें क्रॉस चेक करना हो आंसर को, तो इसको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने ये कहा था इनकमिंग करंट आउटगोइंग के बराबर होनी चाहिए, तो i1 की वैल्यू क्या आई आपके, 2.4, ठीक है। i2 की क्या आई, 0.3, और i3 की क्या आई, 2.1, तो आ तो गई बराबर, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर आ गई i1 में, आंसर में भी वही आना चाहिए, तो दैट वुड बी योर आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। And electronics and computers, both emphasis on this topic, so that you can continue, keep trying to solve your question as more as possible, so that lockdown will not be affect your studies. Thank you very much.